good morning students how are you all i hope you all are fit and fine so today we are going to learn the letter writing and this video is for class 5th so as we all know that there are two types of letter one is formal letter another one is informal letter so today we are going to read here about formal letter फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो हम उन लोगों को भेजते हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस किसी इंस्टीट्यूट किसी भी संस्थान को हम जो भेजते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन है एप्लीकेशन अर्जी अर्जी मीन्स रिक्वेस्ट करना किसी से तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल फॉर्मल लेटर यहाँ पे हम अर्जी लिख रहे हैं किसको अपने प्रिंसिपल को सो व्हाट्स द क्वेश्चन इज राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ठीक है यहाँ पर हमें एप्लीकेशन लिखनी है ट्रांसफर uh, सर्टिफिकेट की ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टी सी जब आप स्कूल छोड़ के जाते हैं तो हमें टी सी की जरूरत पड़ती है दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो उसी के लिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल तो हमें अपने प्रिंसिपल अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि वो हमें टी सी हमारी टी सी दें सबसे पहले आता है यहाँ पे रिसीवर एड्रेस रिसीवर मतलब जो इसको रिसीव कर रहा है हम किसको भेज रहे हैं कौन रिसीव करने वाला है प्रिंसिपल तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू द प्रिंसिपल जिसको भेज रहे हैं आवर स्कूल्स नेम एंड आवर सिटीज द डेट हेयर टूडेज डेट इज ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी हेयर वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज कि हम किस टॉपिक पे ये लेटर लिखने वाले एप्लीकेशन लिखने वाले हैं प्रिंसिपल को तो हमारी टॉपिक क्या है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट कि हम ट्रांसफर चाहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहते हैं टी सी चाहते हैं अपने स्कूल से रिस्पेक्टेड मैम दिस इज़ टू इन्फॉर्म सबसे पहले मैम को ग्रीट करेंगे देन वी हैव टू वो राइट दिस इज टू इन्फॉर्म दिस इज टू इन्फॉर्म मतलब ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है दैट की आई अब यहाँ पे आप आई के बाद आप अपना नेम लिखेंगे एंड यू विल नॉट राइट योर नेम योर नेम तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है पर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे आई जो भी आपका नाम है ऑफ क्लास सिक्स सिक्स के आगे आप सेक्शन लिखेंगे वॉन्ट्स टू ठीक है जो भी है जैसे मैं आ, कोई भी जो भी नाम लिखा आपने क्लास सिक्स वॉन्ट्स मतलब चाहता हूं टू कलेक्ट माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपना ट्रांसफर मुझे टी सी चाहिए ड्यू टू ड्यू टू मतलब किन कारणों की वजह से क्योंकि ड्यू टू माई फादर्स ट्रांसफर टू अदर सिटी क्योंकि जो मेरे फादर हैं उनका दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो गया है तो हम इसी सिटी में नहीं रह सकते हैं तो इसलिए हमें स्कूल छोड़ना पड़ेगा और जिसके लिए मुझे टी सी चाहिए सिंस इन ऑर्डर टू अप्लाय अब क्योंकि सिंस मतलब रीजन के लिए यहाँ पे सिंस यूज़ किया गया है इन ऑर्डर टू अप्लाई अब मुझे अप्लाई करना है क्योंकि मुझे दूसरे स्कूल में अप्लाई करना है आई अर्जेंटली नीड अर्जेंटली मतलब जल्दी से मुझे नीड मतलब ज़रूरत है मेरे टी की एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके इन ऑर्डर टू अप्लाई ताकि मैं अप्लाई कर सकूँ इन द बाउंडेड बाउंडेड मतलब दिया गया समय आप कहीं किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी डेट होती है कि इतने से इतने डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं सारी चीज़ें तो यहाँ पे वही आप कह रहे हो कि मुझे जितनी जल्दी हो सके आप टीसी सी दें क्योंकि मुझे भी उस दिए गए समय में क्या करना है टीसी दूसरे स्कूल में सबमिट करनी है जो भी कैंडिडेट्स मतलब जो भी बच्चे हैं उनको दिया गया समय है उतने समय के अंदर आप मुझे टी दें देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू काइंडली हैंड मी कि कृपया करके क्या करें मुझे हैंड करें मतलब मुझे मेरी टीसी दे दे आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ योर्स मतलब मैं क्या बनूंगा आपका बहुत ग्रेटफुल मीन्स आभारी ग्रेटफुल मीन्स आभारी मैं आपका आभारी रहूँगा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेल्यूटेशन देना है थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एंड यू हैव टू राइट योर नेम सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर कॉपी इन अ प्रॉपर नीट एंड क्लीन handwriting and learn it also. Thank you.